सीएम को बेल मिल गई, कैसे देखते हैं? नहीं तो कोर्ट का अपना फैसला है और कोर्ट का अपना निर्णय है, तो अपना उसका स्वागत हम लोग करते हैं। सर, आपके सहायक पर भी, अरे आप देखिए, राज्य में सरकार उनकी, केंद्र में सरकार उनकी, जांच एजेंसियां उनकी, हम ही कहते हैं मुख्यमंत्री जी को बुला ले मेरे सहायक को, अरे चाहे पीए हो पीएस हो कोई हो, बुला करके पूछताछ कर ले कोई अगर बात है तो। लेकिन जो उप मुख्यमंत्री लोग जो सवाल उठा रहे हैं, ईओयू तो आज तक कहा नहीं है इस बात को लेकर के, इनको तो रिपोर्ट करता है नहीं, ये तो बिना ज्ञान है, इन लोगों को ज्ञान नहीं है। जब मई में जब अरेस्टिंग हुआ था तब से हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं भाई कि कार्रवाई करनी चाहिए। जिस इंजीनियर की बात कर रहे हैं, 21 में यही लोग अर्बन डेवलपमेंट में लाए थे जल संसाधन से, थोड़ा ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए इन लोगों को। ये लोग जो किंग पिंग जो है पेपर लीक के, उन लोगों से इशू को डाइवर्ट करना चाहते हैं। जो अमित आनंद है, जो आपका नीतीश कुमार है, ये कौन लोग हैं? इनको क्यों बचाना चाहते हैं ये लोग? क्यों ये लोग जो है डाइवर्ट कर रहे हैं इशू को? तो इशू को जो है डाइवर्ट नहीं करना चाहिए। जो भी किंग पिंग है, कल मनोज झा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तस्वीर साझा कर दी है। अरे भाई, अगर कोई दोषी हो उसको बुला के पूछने में क्या दिक्कत है? बुलाए, गिरफ्तार करें, हमको क्या दिक्कत है? हम ही क्या देते हैं मुख्यमंत्री जी को बुला लें? और जिसको ईओयू रिपोर्ट करता है उसको कोई ज्ञान तो है नहीं, कोई बात पता चलता नहीं है उधर। तो एक बात स्पष्ट है, देख लीजिए कि जो भी मामला है इस चीज़ को आज नहीं कल तो सब पता चल ही जाना है। अरे जो लोग मेरा नाम घसीटना चाहते हैं, मेरे पीए का घसीटना चाहते हैं, इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। जिस इंजीनियर की बात कर रहे हैं वो बेनिफिशियरी हो सकता है, बेनिफिशियरी हो सकता है, लेकिन पेपर लीक का मास्टरमाइंड तो अमित आनंद है, नीतीश कुमार है। उसमें कार्रवाई करनी चाहिए। जब ये शिक्षा विभाग में जब नौकरियां निकली थी बीपीएससी वाली, तीसरी वाली जो रद्द हुआ, उसके जो अपराधी लोग जो हैं जो पेपर लीक कराए थे, वो तो बार बार घूम करके बिना जेल गए बेल करा लिए। तो हम लोगों को सबका जानकारी है, ऐसा नहीं है कि क्या है नहीं है, ये सबसे कुछ होने वाला नहीं है। देश की जनता जानती है, जब जब बीजेपी सत्ता में आती है तब तब पेपर लीक होता है। राहुल गांधी जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री क्यों खामोश हैं, केवल उनको किस चीज़ की चिंता है कि अध्यक्ष कौन बनेगा लोकसभा का? अब इस बारे में तो हम कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री जब से आए हैं बिहार में पुल गिर गया, आप देखिएगा ट्रेन हादसा हो गया, जब से आए हैं प्रधानमंत्री कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही रहा है, और प्रधानमंत्री जी हर मामले में चुप्पी साधे हुए। तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को आप सुन रहे थे, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि आखिर क्या परेशानी है। जो भी लोग शक के दायरे में हैं, चाहे वो पीएस ही क्यों ना हो, उनसे पूछताछ होनी चाहिए। और बड़ी खबर इस वक्त, नीट कांड के आरोपी की तस्वीर जो है वो आरजेडी की तरफ से जारी की गई है। सम्राट चौधरी के साथ अमित आनंद, जिसकी तरफ तेजस्वी यादव भी इशारा कर रहे थे कि आखिर मास्टरमाइंड कौन है। और ये जरा तस्वीर देख लीजिए, सम्राट चौधरी जो कि इस वक्त बीजेपी की तरफ से यहाँ बिहार सरकार में डिप्टी सीएम की भूमिका में है, उनके साथ जिस शख्स की तस्वीर आप देख रहे हैं, इस शख्स की तरफ तेजस्वी यादव का इशारा था। और तस्वीर डिलीट करने का आरोप भी अब लगाया जा रहा है कि आरजेडी हालांकि इस तस्वीर को सामने लाती है, विजय सिन्हा को तस्वीर भेजने की सलाह भी आरजेडी की तरफ से दी गई है। नीट का सेटर है अमित आनंद, जिसे आप इस वक्त देख पा रहे होंगे सम्राट चौधरी के साथ खड़े हुए, और नीट कांड के आरोपी की तस्वीरें से बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि भाई सम्राट चौधरी के साथ आखिर ये अमित आनंद क्या कर रहा है। और यही वो शख्स है जिसे इस वक्त पूरे मास्टरमाइंड के तौर पर दिखाया जा रहा, बताया जा रहा है। तो गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है, कार्रवाई इनकी क्यों नहीं होती है? ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई कीजिए, चाहे सवाल कुछ भी हो,
जिसके ऊपर शक है उस शख्स को बुलाकर पूछा जाना चाहिए, जांच होनी चाहिए और मुझे इसमें कहीं से कोई गुरेज नहीं है, तेजस्वी यादव की तरफ से ये भी कहा गया। फिलहाल रुक रहे।